Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पावर न्यूज। जुर्म का पर्दाफाश। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। बस्ती जिले के कप्तानगंज थाने के अंतर्गत ओझागंज गांव के दबंगों ने गर्भवती महिला पर ढाया कहर। जी हां, दबंगों ने ओझागंज की ही एक महिला शैल मिश्रा पर ढाया जमकर कहर। दबंगों ने महिला को बुरी तरीके से मारा पीटा। महिला को लगी गंभीर चोटें। चोट लगने से महिला का हुआ गर्भपात। पीड़ित महिला ने कप्तानगंज थाना अध्यक्ष पर लगाया आरोप। कहा कि दबंगों द्वारा 3 दिन से हमें मारा पीटा जा रहा था, लेकिन थाने पर जाने के बाद भी थाना अध्यक्ष अपने मनमानी रवैये को अपनाए रहे। थानाध्यक्ष कप्तानगंज ने कोई कार्यवाही नहीं किया, जिससे दबंगों का बढ़ा मनोबल। आज हमें बुरी तरीके से मारने पीटने की वजह से पेट में लगा चोट, जिसकी वजह से हुआ गर्भपात। जी हां, अभी तक पुलिस ने कोई भी मुकदमा पंजीकृत नहीं किया है। पीड़ित महिला जिला महिला अस्पताल में भर्ती है। बस्ती से हमारे संवाददाता जयप्रकाश यादव की रिपोर्ट। थाने पे गई थी जी? हम थाने पे गए थे, कल हमें मारे हैं। दरोगा क्या कहे? दरोगा कहे कि क्या बात है, शाम को भेजेंगे, लेकिन किसी को हमारे दरवाजे तक नहीं भेजे, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मारे हैं, क्या दिक्कत हुई आपको? हमारे पैरों में लगा है, तब से हमारे दर्द हो रहा था। फिर हम आए यहाँ थाने पे, हम सब बताए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर आज आ रहे थे तो आज भी हमें मारे, तो हम सीओ यहाँ कहे, जब थाने पे हमारा कोई सुनाई तो हम कहे चल रहे हैं बड़े साहब सीओ के पास। यहाँ आए तो रास्ते से हमारे ब्लीडिंग चालू हो गया था। तब उन्होंने जब देखा तो बोला कि जाओ थाने पे, हम फोन कर रहे हैं, लेकिन थाने पे जब वो बाहर आकर देखे हमारी हालत बहुत गंभीर हो चुकी थी, हमारी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा गिर रहा था, तब वो यहाँ के लिए हमें भेजे। अभी आप कहाँ? हम जिला अस्पताल में आए, जिला महिला अस्पताल में आए। ऑडियो चैनल।